गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे। जैसे अटेंडेंस बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है क्लास में प्रेजेंट होने के साथ साथ अटेंडेंस बनाने का। तो स्कूल में पहले टीचर बनाती थी, अभी आपको घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, खुद से अटेंडेंस बनाना है। और इसे बनाने का प्रोसेस भी आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपनी अटेंडेंस को बना लीजिए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको, जैसे नोटबुक ओपन किए हैं ऐसे भी आपको पता है, और नोटबुक ओपन करने के बाद भी आपको दिख गया होगा कि कल हमने जो होमवर्क दिया था वो नोटबुक पे दिया था, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 1 से लेकर 5 तक को रिविज़न कराएंगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दे के या बुक से एक्टिविटीज़ दे के, ताकि जो चीज़ आपने चैप्टर में टॉपिक में पढ़ा जाना सीखा उसे और डीपली जानिए। और दूसरी बात ये भी जानिए कि आपने कितना समझा, कितना उस चीज़ को जाना है ना, या कितना उस चीज़ को याद किया, तो आपका ये पूरा चीज़ हो जाएगा है ना रिवीजन के टाइम। ये एक रिवीजन है, रिमेम्बरिंग नहीं हो सकता है, आप घर पे कीजिए, मुझे नहीं सुना पाते, फैमिली मेम्बर्स में से किसी को सुनाइए, ये तो जो भी आपके स्टडी में हेल्प करते हैं। और दूसरा ये कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिटन पावर भी आपका अच्छा होगा, राइटिंग पावर भी आपका अच्छा होगा, ओके सॉरी रीडिंग पावर भी, तो दोनों अच्छा होगा। तो आज हम क्या, कल हमने होमवर्क दिया था, कुछ दिया था सेंटेंसेस, उसे बोला था आप लिखिएगा और हम कल आज मैच कर देंगे। तो मैं लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो सेंटेंसेस क्या था, हु एम आई, ये था है ना, ये हेडिंग था हमारा। और पहला सेंटेंस था आई एम वाइट एंड फुल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आई एम डैश। पहले मैं नोट कर देती हूँ कि क्या क्या सेंटेंसेस था, फिर हम पढ़ के फील करेंगे। दूसरा था आई एम गुड फॉर दी आईज, आई एम अ डैश। थर्ड था ईट मी एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे, आई एम एन डैश। फोर्थ नंबर था आई बिल्ड योर हाउस, आई एम ए डैश। फाइव था आई पेंट योर हाउस, आई एम ए डैश है ना। ये क्या था, पांच सेंटेंसेस था, हमने आपको पांच सेंटेंसेस दिया था। और आपको क्या, मैंने कहा था कि पढ़ के सेंटेंस का जो हु एम आई पढ़िएगा, सेंटेंस क्लू पढ़िएगा, क्लू पढ़ने के बाद उसका नाम लिखिएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं, आप मैच कीजिएगा कि आपने सही लिखा या नहीं। आई एम वाइट एंड फुल ऑफ कैल्शियम, मैं उजला हूँ और कैल्शियम से भरपूर हूँ। आई एम मिल्क, एम आई एल के मिल्क है ना। मिल्क क्या होता है, उजला होता है, दूध उजली होती है और कैल्शियम से भरपूर होती है। दूध में कैल्शियम बहुत होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि दूध पीजिए ताकि आपका बोन्स जो है ना मजबूत रहेगा। बोन्स के लिए मिल्क बहुत फ़ायदेमंद है और मिल्क इसे कंप्लीट फूड भी है ना। तो मिल्क कंप्लीट फूड है, उसके बाद कैल्शियम है जिसे आपका जो हड्डी है ज्वाइंट पेन नहीं होता है और ज्वाइंट मजबूत रहता है। दूसरा है आई एम गुड फॉर द आईज, आई एम बोला कि मैं तुम्हारे आँख के लिए बहुत अच्छा हूँ। और आई एम आँख के लिए कौन सा अच्छा होता है, कौन सी चीज़ को खाना चाहिए, मैंने बताया था कैरोट, बोला था ये सब फूड आइटम्स नेम है कैरोट, कैरोट मीन्स गाजर, गाजर जो है वो आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है, उसे खाइएगा प्रॉपर अमाउंट में, आपका आँख की रोशनी जो है बरकरार रहेगी और आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा है ईट मी एवरी डे, ई वी ई आर वाई,
ईट मी एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे आई एम एन, बोला तुम मुझे रोज खाओ और तुम खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे। दैट मीन्स कि अगर तुम खाओगे तो बीमार ही नहीं पड़ोगे, तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो कौन सा चीज़ खाएंगे जो डॉक्टर से दूर रहेंगे? यस, एप्पल, आई एम एन एप्पल। सेब, रोज एक सेब खाइएगा तो आपको बीमारी नहीं होगी, इसलिए आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। और एप्पल क्या है? एक फ्रूट है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है, यानी कि रक्षककर्ता भोजन है। रक्षककर्ता भोजन बीमारियों से हमारी रक्षा करता है ना, ये बात आपको पता ही है। फोर नंबर है, आई बिल्ड योर हाउस आई एम आर, मैं तुम्हारा घर बनाता हूँ मैं हूँ। तो मैंने कहा था ये हेल्पर नेम है, तो कौन हमारा घर को बनाता है? तो मेसन, एम ए एस ओ एन, मेसन मीन्स राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या करता है? नींव डालता है, फिर दीवार खड़ा करता है ईंटों को, ईंटों से जोड़ के उसके बाद छत डालता है ना, उसके बाद उसमें क्या करता है, प्लास्टर करने के बाद फिर दूसरा लोग काम करते हैं। उसके बाद फाइव नंबर क्या है, आई पेंट योर हाउस आई एम आ, मैं तुम्हारे घर की रंगाई पुताई करता हूँ, रंगों से भरता हूँ आई एम आ। तो रंग कौन करता है घरों में? यस, पेंटर, पी ए आई एन टी, पेंटर मीन्स रंगाई करने वाला। तो ये आपने फील किया होगा, फर्स्ट में मिल्क था, आई एम वाइट एंड फुल ऑफ कैल्शियम आई एम मिल्क। सेकेंड है, आई एम गुड फॉर द आईज आई एम अ कैरोट। थर्ड है, ईट मी एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे आई एम एन एप्पल। फोर में है, आई बिल्ड योर हाउस आई एम अ मेसन। फाइव, आई पेंट योर हाउस आई एम अ पेंटर। तो ये सेंटेंसेस मैंने दिया था, आपने इसी तरीके से फील किया होगा, फर्स्ट में मिल, कैरोट, एप्पल, मिसन, पेंटर, ये आपने फील किया होगा। तो आप मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, आपने सही लिखा तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इरेज कीजिए फिर से लिख लीजिए, समझ तो गए होंगे, आसानी होगी। अब मैं इसको वाइप करूँगी, हेडिंग यही रहने दूँगी, क्योंकि आज मैं फिर से इसी का और सेंटेंसेस दूँगी, तो मैं इसे वाइप करती हूँ। आज भी होमवर्क के लिए आपको यही है, हेडिंग इसी को रहने दीजिएगा। बस आप क्या कीजिएगा उस पेज में, सभी बच्चे कल वाली चीज़ को मैच कर रहे थे, मिला रहे थे, आज अब क्या कीजिएगा, जैसे आपने पेज ओपन किया, मिलाया, अगर उसी पेज में, कल वाले पेज में अगर जगह बच रही है तीन लाइन से ज़्यादा, तो उसी में लिखिए, पहले लाइन खींच लीजिए, फिर डे डालिए और ये लिखिएगा हेडिंग, ओके। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए, और न्यू पेज से जो क्या कहते हैं, रिमेंबर लिख लीजिए, डेट और रिमेंबर है ना, लाइन के ऊपर लिखिएगा और फर्स्ट लाइन में ही आप हेडिंग डालिएगा, और हेडिंग डालने के बाद भी हमारा ये सेंटेंस है, मतलब इसे याद भी करना है, ओके। रिमेंबर नहीं भी लिखे, लिखे ये तो छोटे बच्चे नहीं है, आप लोग क्लास टू में आ गए, आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि आपको रिमेंबर करना है और रिमेंबर लिखना है, ओके। तो अब हमारा आज का पहला सेंटेंस है, हम वो देख लेते कि क्या है। आई फिक्स द ई एल ई सी टी आर आई थ्री सी ए एल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एफ आई डबल टी आई एन जी फिटिंग्स आई एम एन डैश। सेकेंड नंबर है, आई डू द फिटिंग, आई डू द फिटिंग ऑफ वाटर पाइप्स, पी आई पी एस पाइप्स, आई एम अ डैश। थर्ड है, आई डिजाइन, डी ई एस आई जी एम डिजाइन योर हाउस, योर हाउस, आई एम एन डैश। फोर नंबर, आई मेक वुडन डोर्स विंडोज
वॉश वॉश एंड आयरन आयरन योर क्लोथ्स आई एम अ डैश. पहले इसे समझ लीजिए, फिर हम वाइप करके नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखेंगे. फर्स्ट नंबर है आज का जो है, I fix the electrical fittings. I am an. मैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग करता हूँ, दैट जैसे कि वायरिंग करता हूँ, तार को, बोर्ड को, स्विचेस को, फैन के, लाइट को अटैच करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो मतलब वायरिंग करने वाले को क्या बोलते हैं, आप वो लिख दीजिएगा. ये भी हेल्पर्स नेम है, सभी हेल्पर्स नेम है. आई डू द फिटिंग ऑफ वाटर पाइप्स. आई एम अ. मैं क्या करता हूँ, वाटर पाइप की फिटिंग करता हूँ, यानी कि पानी का जो नल का होता है कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन आपके घर में, वो मैं जोड़ता हूँ, फिटिंग करता हूँ. आई एम अ. तो पानी के कनेक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा. थर्ड है आई डिज़ाइन योर हाउस. मैं तुम्हारे घर का चित्र बनाता हूँ, नक्शा बनाता हूँ. आई एम अ एन. क्या आई एम एन, तो मैं क्या हूँ? ओके, वो लिख दीजिएगा. फोर्थ नंबर है आई मेक वुडन डोर्स विंडोज एंड फर्नीचर्स. आई एम अ. मैं लकड़ी का, वुडन मिस लकड़ी का डोर, गेट बनाता हूँ, विंडो मिस खिड़की का पल्ला बनाता हूँ, एंड फर्नीचर्स यानी कि फर्नीचर जैसे सोफ़ा है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, अलमीरा है, लकड़ी का जो भी सामान है वो बनाता हूँ. तो लकड़ी के सामान बनाने वाले को क्या बोलते हैं, उसका नाम लिख दीजिएगा. फाइव नंबर है आई वॉश एंड आयरन योर क्लॉथ्स. मैं तुम्हारे कपड़े को धोता हूँ, फिर आयरन करता हूँ, इस्त्री करता हूँ. आई एम ए. तो कपड़े को धोने वाला और इस्त्री करने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा. यह हमारा वन से लेके फाइव तक सेंटेंसेस कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या है. तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा, और जितने सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंस जितने लाइन में रखते हैं उतने लाइन में लिखिएगा. लिखने के बाद ही खाली जगह लिख दीजिएगा. जैसे मेरा वहाँ पर नहीं आता खाली जगह, तो मैंने दूसरी लाइन में दिया, इसी तरीके से आप भी यही काम कीजिएगा. तो जो सेंटेंस जितने लाइन में, दो तीन जितने लाइन में आता है उतने लाइन में लिखने के बाद ही आप क्या कीजिएगा. जैसे ये दो लाइन में आता जहाँ पे मैंने क्या लाइन खींचा, तो लिखने के बाद ही आप क्या कीजिए, लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद फुल स्टॉप, इसी तरीके से कीजिएगा. मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंसेस को. फाइव तक हो गया, अब सिक्स है. आई ग्रो कॉटन फॉर यू. आई एम ए डैश. सेवन है आई स्टीच STICH स्टीच प्रोसेस क्लोथ फॉर यू. I am a dash. H I cut your hair. I am a dash. 9 है I and mop the floor. I am a dash. Last 10 है. Ten number है. I I mends your shoes. I am a dash. हमने वन से लेके फाइव तक कंप्लीट किया, अब सिक्स से लेके टेन तक है. इसे समझा देते हैं और वहीं पे स्टॉप कर देंगे. आई ग्रो कॉटन फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए कॉटन को उगाता हूँ, ग्रो करता हूँ. आई एम अ डैश. तो मैं कौन हूँ? कॉटन उगाने वाला या कोई भी पेड़ पौधे को उगाने वाले को क्या बोलते हैं, वो लिख दीजिएगा. थर्ड है सेवन है आई स्टी
स्टिच क्लॉथेस फॉर यू, मैं तुम्हारा है ना तुम्हारे लिए कपड़ा सिलता हूँ या सिलती हूँ, आई एम आ, तो कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। एट है आई कट योर हेयर, मैं तुम्हारे बाल को काटता हूँ, आई एम आ, बाल काटने वाले को क्या बोलते हैं। नाइन है आई स्वीप एंड मॉप द फ्लोर, मैं फ्लोर पे ज़मीन पे झाड़ू पोछा करता हूँ या करती हूँ, आई एम आ, तो झाड़ू पोछा करने वाले को क्या बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। 10 है लास्ट आई मेंड्स योर शूज, मैं तुम्हारे जूतों की सिलाई करता हूँ, मरम्मत करता हूँ, रिपेयर करता हूँ, आई एम अ डैश, तो जूतों को सिलने वाले, जूता चप्पल जब टूट जाता है फट जाता है तो उसे सिलते हैं, मरम्मत करते हैं, ठीक करवाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं उसका नाम लिखिएगा। तो आपने सेंटेंसेस देखा, तो आज हमने जो भी सेंटेंसेस दिया बनाया आपको दिया कि आप बनाइएगा, तो वो सब क्या था, सब हेल्पर्स नेम था, सभी हेल्पर्स नेम। कल वाला फूड आइटम्स भी मैच था कि फूड आइटम का भी नाम लिखना था, आज सिर्फ और सिर्फ हेल्पर नेम है। मैंने हेडिंग भी क्लू तो है ही सेंटेंस पढ़ के, और दूसरा ये है कि वो मैंने ये भी दूसरा क्लू दे दिया कि वो सब हेल्पर नेम है, आपको बस हेल्पर नेम लिख देना है। तो आप क्या कीजिएगा, नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करके होमवर्क में क्या करना है, मेक एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में मेक करना है, मेक या डू बनाना है, लिखना है, उसके बाद उसे याद करना है। तो आप सभी बच्चे पहले लिख लीजिएगा और लिखने के बाद उसे याद कीजिएगा स्पेलिंग के साथ, जैसे जो भी हेल्पर्स नेम आप लिखिएगा उसके स्पेलिंग, जैसे कल वाला आपने लिखा है ना, जैसे फूड आइटम नेम लिखा, उसके बाद मेसन लिखा, पेंटर लिखा, उसके स्पेलिंग याद कीजिएगा। आज वाला भी आप बनाइएगा, स्पेलिंग लिखिएगा। कल इसी तरीके से मैं बोर्ड पे फिर लिख दूंगी, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या लिखा है, ओके। और मैच करने के बाद आपका वो पता ही हो जाएगा कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, और फिर आपको रिमेंबरिंग भी हो जाएगा वो स्पेलिंग उस वर्ड का। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं। होमवर्क फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में करो और याद करो, ये नोटबुक का होमवर्क है। और आपका जब मैं क्लास को स्टॉप करती हूँ, क्लास जो आज का एंड होता है हर दिन, तो उसमें मैं एक आपको गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज का आपका गुड हैबिट टिप है कीपिंग योर हाउस एंड कीपिंग योर विलेजेस और सिटी क्लीन, अपने विलेजेस और गाँव को शहरों को साफ सफाई करने के लिए क्या है। तो आज का गुड हैबिट टिप है यूज टॉयलेट, डू नॉट एक्सट्रीट इन पब्लिक प्लेसेस, बोलना है कि आपको क्या करना है, टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, शौचालय का उपयोग करना है, ना कि पब्लिक प्लेसेस में कहीं पे भी मलमूत्र त्याग देना है, ये काम नहीं करना है। उसके लिए चाहे पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट हो या अपने घर में हो, वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए टॉयलेट का, ओके। पब्लिक प्लेसेस में खुले में नहीं करना है शौच, ये गंदी बात है, ये स्वच्छता के खिलाफ है, ये गंदगी के मतलब ये गंदी बात है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, यूज टॉयलेट, डू नॉट एक्सट्रीट इन पब्लिक प्लेसेस, आज का गुड हैबिट टिप है, इसे रेगुलर फॉलो कीजिए। होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।